हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम और एक नए टॉपिक के साथ और हेल्पफुल वीडियो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों आज हम दोबारा नया एक ईसीएम को रीड एंड राइट करेंगे, वो भी अपने केटीएम या पीसीएम ट्यूनर की मदद से। केटीएम से भी रीड हो जाएगा और अपने पीसीएम ट्यूनर में भी रीड हो जाएगा और अपने केटैग में भी रीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ईसीएम है, ये वाला ईसीएम है i10, ठीक है। i10 वाला ईसीएम है MEG 17.9.12, ठीक है, ये वाला ईसीएम रहता है। तो आज हम इसका डेटा रीड रिकवर करेंगे, यानी रीड करके राइट करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, देख सकते हैं। अभी ये वाला ईसीएम है, ये वाला ईसीएम को हम रिपेयर करेंगे। ये भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपको, इसके अंदर हमने क्या क्या चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा हम ये वाला रिपेयर भी करके आपके साथ ये शेयर करेंगे। क्या रिपेयर होएगा, ये 101% रिपेयर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम ये वाला ईसीएम रीड एंड राइट करेंगे अपने केटीएम की मदद से। और इसके अंदर आपका दो एमसीयू आते हैं, ठीक है। एक एमसीयू अपना इंजन के लिए रहता है, एक एमसीयू आपका टीसीएम के लिए रहता है, यानी ऑटोमेटिक जो गाड़ी रहती है उसके अंदर दो एमसीयू रहते हैं। तो आज हम सिर्फ इंजन का डाटा केटीएम से रीड करेंगे और ईप्रॉम को रीड करेंगे। ये जो एमसीयू जो नंबर है TC1762, ठीक है, और इसका जो पार्ट नंबर जो रहता है MEG 17.9.12, ठीक है, 12। और इसके अंदर 21 वाला भी आता है, वो 6 स्क्रू वाला रहता है, ये चार स्क्रू वाला रहता है, ठीक है। इसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे ईसीएम सेम रहते हैं, थोड़ा किसी में 4 मोसफेट रहते हैं, किसी में 2 मोसफेट रहते हैं। वो भी अगले कभी ऐसा कोई मौका मिला तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अभी हम पिन नोड के बारे में बात करेंगे, कौन सा पॉजिटिव कहाँ पे लगाना है, नेगेटिव कहाँ पे लगाना है, वो सब हम बात करेंगे। देख सकते हैं ये इसका पिन नोड है, ठीक है। एक पॉजिटिव 3 नंबर पे और अपना 5 नंबर पे, 5 नंबर पे सॉरी 3 नंबर पे नेगेटिव, 5 नंबर पे पॉजिटिव और 18 नंबर पे पॉजिटिव और 30 नंबर पे पॉजिटिव और 79 नंबर पे कैन लो और 57 नंबर पे कैन हाई और 39 नंबर पे GPT 1 और 17 नंबर पिन पे GPT 0, ठीक है। ये अपना हो गया कनेक्शन, आपको टाइम बचाने के लिए सारा कुछ मैं कनेक्शन करके बैठा हूँ। तो अभी हम इसको करेंगे क्लोज, अभी हम इसको करेंगे क्लोज। अभी हम अपना KTM का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, देख सकते हैं अपना KTM का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और हम इसको रीड करेंगे TC1762, सॉरी 62, TC1762, TC1762 ये रहता है। कभी भी आप इसको रीड करने का जो अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आपको डोंगल लगाना है और दूसरे नंबर पे आपको इसके अंदर डेटा केबल लगाना है और तीसरे नंबर पे पॉजिटिव देना है, ठीक है। पॉजिटिव लास्ट में भी दे सकते हैं, ये कनेक्शन देने के बाद पॉजिटिव लास्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर ओपन करना रहता है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको ईसीएम को कभी भी आपको सबसे पहले ईसीएम आइडेंटिफिकेशन करना है। कई बंदे क्या करते हैं, डायरेक्ट बिना आइडेंटिफिकेशन किए हुए आप इस रीड करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। यस हाँ, हमारा अभी ये रीड होने के लिए शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, रीड होने के लिए तैयार है। सॉफ्टवेयर का वेरिफिकेशन आ चुका है, अभी हम इसको करेंगे रीड। अभी हम रीड करना है, ठीक है, इससे पहले अपने को रीड नहीं करना है कभी भी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको रीड करना है। वो आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है, बाई मिस्टेक आपका एक पिन भी आपका कहीं गलत लग गया है, तब क्या होता है, इसके अंदर आपको एरर देखने को मिलेगी, फेलर बोल के, ठीक है। उस टाइम पे आपको पता चल जाता है हाँ कोई वायरिंग में कोई दिक्कत है बोल के, वही अपने को एक वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इसका माइक्रो का डाटा रीड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक का डाटा भी रहता है और इसके अंदर इंजन का भी डाटा रहता है। तो अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ इंजन का डाटा रीड करना है और ईप्रॉम का डाटा रीड करना है, और माइक्रो दूसरा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका डाटा रीड नहीं होएगा KTM से, वो KTEX से होएगा। और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो अपने
चैनल में पड़ा है, देख सकते हैं ये अपने इसे हम रीड हो चुका है, अभी मैं ऑलरेडी रीड करके बैठा हूँ तो अभी मैं इसको करूँगा कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। और ईप्रॉम भी अब हम ईप्रॉम को सेलेक्ट करेंगे, ईप्रॉम सेलेक्ट करके रीड करेंगे तो ईप्रॉम भी इसके अंदर रीड हो जाएगा। और एक बात आप सबको बोलना चाहता हूँ, बहुत ये अपना हो गया रीड। ठीक है, ऐसा ही आपको राइट करना पड़ता है नीचे से, देख सकते हैं इधर आपको राइट बोल के रहेगा। सबसे पहले आपको फाइल सेलेक्ट करना रहता है, फाइल सेलेक्ट करें, ओपन, इधर राइट करेंगे तो ये राइट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर डेटा चला जाएगा। अभी अपना जो मेन पॉइंट था ये वाला ईसीएम को रीड एंड राइट करने का तरीका, ठीक है ये तो हो गया। और दूसरी बात, बहुत सारे प्रोग्रामर अपने पास आने वाले हैं, हो सकता है कल या सैटरडे या संडे आपको उसके बारे में बताऊं। बहुत सारे प्रोग्रामर आने वाले हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में। ठीक है, जिसको भी अपने से चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। मेरा राइट कोई सस्ता नहीं रहता है, राइट में थोड़ा महंगा ही रहता है, थोड़ा यानी थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है, मगर सही चीज़ देता हूँ, सही सपोर्ट देता हूँ। कोई भी भाई को कुछ आइटम चाहिए तो अपने से रब्ता कर सकते हैं, अपने पास मिल जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।